हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ नंबर 8, जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इस पाठ कोशिका प्रकार्य और संरचना में जो जानकारी हमें मिलेगी, उसके लिए मैं आपको मिलवाती हूँ कोशिका से, और कोशिका स्वयं आपको बताएगी अपनी कहानी। तो चलो मेरे साथ सुनने के लिए ये मजेदार कहानी कोशिका की जुबानी। दोस्तों, मैं हूँ कोशिका और मैं आप सभी के शरीर के अंदर पाई जाती हूँ। आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आपको सभी बातों के विषय में पता चलेगा। शुरुआत करते हैं मेरी खोज से, यानी कोशिका की खोज। कैसे, किसने, कब की, चलो जानते हैं। दोस्तों, यूं तो मेरी उत्पत्ति पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के साथ ही हो गई थी, परंतु मेरी कहानी शुरू हुई जब रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने मेरी खोज की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग होता है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे, और ये बक्से जानते हो कैसे दिखाई दिए? ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खी का छत्ता नजर आता है। प्यारे बच्चों, उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। और एक मजेदार बात बताऊं दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को एक विशेष नाम दिया और वह नाम था कोशिका। यहीं से मेरे इस नाम की शुरुआत हुई। और हुक ने देखा कि यह जो बक्सेनुमा संरचनाएं हैं, वास्तव में मृत कोशिकाएं हैं। दोस्तों, सजीवों की जीवित कोशिकाओं को तो संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी, है ना विस्मय वाली बात। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है, और यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक के द्वारा ही संभव हो सका है। और दोस्तों, अब मैं आपको अपने बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। दोस्तों, आपको यहाँ दोनों तरफ कुछ संरचनाएं नजर आ रही हैं। यह संरचनाएं एक तरफ निर्जीव है और एक तरफ सजीव है। एक तरफ ईंट की दीवार और दूसरी तरफ प्याज की छिल्ली। दोस्तों, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ईंट इस दीवार के लिए मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ठीक ऐसे ही सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं।
और दोस्तों इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। दोस्तों क्या आपने कभी कोई कोशिका अपनी नग्न आंखों से देखी है? क्या कहा? नहीं? अरे याद करो, आपने अवश्य देखी है। मैं आपकी सहायता करता हूँ। दोस्तों मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण आप इसे अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों अब यदि बात चल ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि सजीवों में कोशिका यानी कि हमारी संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। आप जानते हैं वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं? दोस्तों वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। और दोस्तों कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग भी किया जाता है। प्यारे दोस्तों पृथ्वी पर लाखों जीव हैं और वह सभी आकृति एवं साइज में भिन्न हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनके बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिकाओं की संख्या की। अच्छा बताइए, क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं और कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। और दोस्तों वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है वह बहुकोशिक कहलाते हैं। बहुकोशिक माने अनेक कोशिकाओं वाला। और छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं करती है। है ना मजेदार? और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के समय कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। दोस्तों अब मैं आपको दो चित्र दिखाता हूँ। ये देखिए, दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। एक कोशिका वाले जीवों को हमने एक कोशिक यानी यूनिसेलुलर, यूनि माने एक और सेलुलर माने कोशिका नाम दिया है। दोस्तों एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती हैं। और एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतग्रहण करता तथा पचाता है। और यही नहीं, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के
समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं और कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कोशिका की आकृति के विषय में। यह चित्र देखिए। चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति तो अनियमित है, कोई एक आकार ही नहीं है। वास्तव में दोस्तों, अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि इसी से इसको अपना भोजन भी प्राप्त होता है और इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं और इन्हें हम पादाब कहते हैं। आप इस विषय में कक्षा 7वीं में भी पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते हैं और इस आकृति का उसे बड़ा ही लाभ है। दोस्तों, अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाब के बनने के कारण होती है और जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। अगर हम बात करें मनुष्य की, तो दोस्तों, मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं? आप मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका के चित्र देखिए। ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित हैं और कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी भी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं और इनका आकार तर्कुरूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं जैसे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। तो ये तो बड़ी ही मजेदार और शरीर की सहायता करने वाली कोशिकाएं हैं। दोस्तों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। दोस्तों, आपको अवश्य ही मजा आ रहा होगा और देखा आपने कोशिका की आकृति कितनी भिन्न भिन्न होती है और इसका कारण भी आपको पता चला होगा
कि कोशिका की आकृति इतनी भिन्न क्यों होती है? क्योंकि यह अपने कार्य के अनुसार आकृति ग्रहण करती है। और दोस्तों, अब बात करेंगे कोशिका के साइज की। दोस्तों, सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म दर्शीय होती हैं। इन कोशिकाओं को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें सूक्ष्म दर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। और आप जानते हैं, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, जिसका साइज 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर होता है। आइए, इसके लिए मैं आपको एक क्रियाकलाप करके दिखाती हूँ। और इसके क्रियाकलाप के लिए आवश्यक सामग्री है 1 उबला हुआ अंडा। इस अंडे के ऊपरी छिलक को हम उतार लेंगे। आप देख सकते हैं, यह छिलका काफी कठोर है, जो अंदर वाले हिस्से को बचा करके रखता है। यह भारी ठोस आवरण भी कोशिका का एक हिस्सा है, जो कोशिका के अंदरूनी पदार्थ की रक्षा हेतु कठोर बनाया जाता है। धीरे धीरे हम छिलके को अलग कर लेंगे और अब हमें कोशिका का अंदरूनी हिस्सा नजर आ रहा है, जो कि पक चुका है। अब हम इस हिस्से के 2 टुकड़े काट लेंगे। इस प्रकार से यह जो पीले रंग का आपको नजर आ रहा है, इसे हम योक यानी जर्दी कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से अलग कर सकते हैं, ये देखिए। और आपको यह जो सफेद भाग नजर आ रहा है, यह है एल्ब्यूमिन, जो उबालने पर ठोस बन गया है। तो ये अपना पूरा क्या है, एक एकल कोशिका का भाग है। और यह एकल कोशिका हमें बिना आवर्धक उपकरण के भी नजर आती है। तो दोस्तों, यह था अपना क्रियाकलाप, जिसमें हमने एक एकल कोशिका को देखा। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हों। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से है। उदाहरण के लिए, आप तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती हैं, और ये संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। और अब हम बात करेंगे कोशिका संरचना एवं प्रकार से संबंधित। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं, और कक्षा 7 में हमने पाचन अंगों के विषय में भी पढ़ा है, जो
सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। इसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार्य करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार्य करते हैं। उदाहरण के लिए आप जड़ ही से समझ लीजिए। जड़ जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है, और साथ ही हमने कक्षा 7 में पढ़ा है कि पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे उत्तक कहते हैं। उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार्य करता है। तो ये हुई अपनी परिभाषा उत्तक की, और अब आपको समझ आ गया होगा कि अंग उत्तक के बने होते हैं और उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं। इसीलिए सजीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं। तो ये हमारे प्रश्न का जवाब भी हुआ कि कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये था अपना कोशिका संरचना एवं प्रकार्य पाठ 8। अब हम देखते हैं हमने इस पाठ में क्या सीखा। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात जो हमने सीखी वह यह है कि अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें अंग कहते हैं, और सभी अंग और भी छोटे भागों से बने हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना को कोशिका कहते हैं, और सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। और बच्चों, कोशिकाओं की विविध आकृतियां एवं साइज परिलक्षित होते हैं। साथ ही बच्चों, हमने सीखा कि विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी विविध है, और कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। और इसके लिए हमने क्रियाकलाप भी किया था अंडे वाला, और उदाहरण भी हमारे पास है मुर्गी का अंडा, जिसे हम अपनी आँखों से ही देख सकते हैं बिना किसी आवर्धक लेंस की सहायता से। और कुछ जीव मात्र एक कोशिका के एवं अन्य जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। और साथ ही हमने सीखा कि एक कोशिक जीवों में एकल कोशिका ही वे सभी मूलभूत प्रकार्य करती है, जो बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित की जाती हैं। यानी हमने कोशिकाओं के विषय में बहुत सारी जानकारी हासिल की, और हमने सीखा कि कोशिकाएं ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती हैं सजीवों की। तो हमारे लिए ये पाठ बड़ा ही मज़ेदार रहा। तो देखा बच्चों, कितनी मज़ेदार कहानी थी जो कोशिका ने आपको सुनाई। आपको अवश्य ही ये कहानी पसंद आई होगी, साथ ही आपको कोशिका से संबंधित बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.